हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों? आज हम आपकी क्लास फोर्थ की इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे। 64 नंबर नेम ऑफ स्टूडेंट में आपका नेम आ जाएगा और डेट आ जाएगी। जिस दिन आप वर्कशीट को सोल्व करोगे, हमारा लर्निंग एरिया बच्चों रीड एंड राइट, तो आज हम सीखेंगे बच्चों कैन और मे का यूज करना। ठीक है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर टू वर्ड्स दे रखे हैं, कैन और मे। ठीक है बच्चों, तो आपको यूज करना है कैन और मे को। तो बच्चों हमारा फर्स्ट है आई राइड अ बाइसाइकिल। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या फिल करना है, कैन फिल करना है। ठीक है, अब बच्चों सेकंड है, यहाँ पर बच्चों मे आएगा। ठीक है, मे आई गो टू द लाइब्रेरी। क्या मैं लाइब्रेरी के लिए जा सकता हूँ, लाइब्रेरी में जा सकता हूँ। तो बच्चों फर्स्ट का मतलब था कि मैं साइकिल चला सकता हूँ, साइकिल की सवारी कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, थर्ड है मोहन कैन नॉट रन फास्ट। मोहन तेजी से नहीं भाग सकता, तो यहाँ पर बच्चों कैन आएगा। ठीक है, और बच्चों अगला है मे आई टेक अ लीव। क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ, तो यहाँ पर आएगा बच्चों मे। और बच्चों अगला फिफ्थ है कैन यू राइट वेल। क्या आप अच्छा लिख सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पर कैन आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आएगा आई कैन स्विम इन अ रिवर। मैं नदी में तैर सकता हूँ। और बच्चों अगला है सीता, यहाँ पर कैन आएगा। ठीक है, सीता कैन नॉट सिंग वेल। अब बच्चों आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं राइट अबोव सेंटेंसेस यूजिंग कांट। तो आपको इसको कैन नॉट भी बोलते हैं और कांट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इसका यूज करके वर्ड बनाना है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड मतलब है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ऊपर हमने पढ़ा था कि कैन का मतलब होता है कर सकना, मैं ये काम कर सकता हूँ। यहाँ पर आएगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता या कोई भी ये काम नहीं कर सकता। तो बच्चों फर्स्ट है ही कांट अफोर्ड टू बाय अ न्यू कार। इसका मतलब है कि वह एक नई कार खरीद नहीं सकता। अफोर्ड का मतलब होता है जब हम कोई चीज नहीं खरीद सकते, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो होता है बच्चों अफोर्ड करना। ठीक है, तो हम वह एक नई गाड़ी नहीं खरीद सकता। बच्चों दूसरा है आई कैन ड्राइव अ कार। मैं एक कार को ड्राइव कर सकता हूँ, बट राहुल कांट, लेकिन राहुल उसे ड्राइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है बच्चों आई कांट सिंग एज वेल एज सीता डिड। मैं अच्छा गाना नहीं गा सकता या गा सकती जितना सीता अच्छा गाती है। अब बच्चों अगला है आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट शी से। मैं नहीं समझ सकता कि वह क्या कह रही है। अब बच्चों नेक्स्ट है राम कांट प्ले टेनिस। राम टेनिस नहीं खेल सकता। और अगला सेंटेंस है बच्चों आई कांट एग्री विद यू। मैं आपके साथ या तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूँ। लास्ट है बच्चों आई कांट ड्रिंक एनी मोर। तो बच्चों इस तरह से आपको कैन में और कांट का यूज करना था। तो आप अपनी वर्कबुक कंप्लीट करके अब अपने टीचर जी को दिखाइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।